नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ न्यू 2024 होंडा सीबी 200X। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकर और रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले 2024 में आपको होंडा सीबी 200X के ऊपर क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, कितनी अपडेटेड कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, फेस्टिव सीजन में क्या ऑफर चल रही है, उसी के साथ साथ कितनी अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है इस बाइक की, माइलेज कितनी मिलती है, ए टू जेड डिटेल्स इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा कोलकाता ताड़ातोला शोरूम, आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। बाकी चलिए दोस्तों, आज की वॉक अराउंड फटाफट शुरू करते हैं। तो शुरू करते फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यू होंडा सीबी 200X की कलर स्कीम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो, ये है इसकी पर्ल इग्नियस ब्लैक कलर, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट इस ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा पर्ल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जब भी धूप पड़ती है ये कलर बहुत ज़्यादा चमकती है। एंड उसके साथ साथ ये जो कलर है ये आपको पर्ल इग्नियस ब्लैक कलर है, इसमें आपको टोटल और दो कलर मिलते हैं, टोटल एक्चुअली तीन कलर है, आपका मेटालिक ब्लू कलर है, उसी के साथ साथ रेसिंग रेड कलर है और आपका ये पर्ल इग्नियस ब्लैक कलर है। बाकी आपका फेवरेट कलर कौन सा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी प्राइस की अगर बात करें तो 1,75,000 के आसपास इसकी अपडेटेड ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता मार्केट में देखने को मिलेगी। एंड ऑफर क्या चल रहा है वो मैं वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर से जरूर बता दूंगा। तो 1,75,000 के आसपास जो है इस न्यू होंडा सीबी 200X की ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता मार्केट में देखने को मिल सकती है। एंड शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक की की से। तो की इसमें आपको एकदम नॉर्मल बेसिक की देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड जब भी आप इग्निशन को यहाँ पे ऑन करते हो, फर्स्ट सामने में इसकी जो LED DRL है वो आपको इसमें जलते हुए देखने को मिलेगी। ये जो लाइट आप देख पा रहे हो ये है इसकी LED DRL। एंड जब भी आप बाइक को स्टार्ट करोगे, लाइक मैं अभी बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, तब जाके इसकी जो लो बीम है वो आपको यहाँ पे ऑन होती हुई देखने को मिलेगी। तो ऊपर जो लाइट सेटअप आप देख पा रहे हो ये है इसकी लो बीम, एंड हाई बीम भी एक बार ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। सो ये रही इसकी हाई बीम, नीचे है हाई बीम, ऊपर है लो बीम, ये है आपका DRL। उसके साथ साथ आपको इसमें प्रॉपर LED में ब्लिंकर्स भी मिलती है, कंपनी इसमें हैजार्ड भी ऑफर कर रही है। एंड नकल गार्ड के अंदर ही आपको इसमें ब्लिंकर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक जो है थोड़ा सा और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है इसकी नकल गार्ड की, ये LED ब्लिंकर्स की वजह से। बहुत प्रीमियम बाइक में ऐसा देखने को मिलते हैं, बट आपको 1,75,000 की एक बाइक में आपको ऐसी नकल गार्ड के ऊपर ही इसकी LED ब्लिंकर्स देखने को मिलती है, जो आई थिंक आज भी 390 एडवेंचर में भी आपको देखने को नहीं मिलती है, बट 200X के ऊपर आपको देखने को मिलती है। 390 एडवेंचर से इसका कंपैरिजन है ही नहीं, वो बहुत ही पावरफुल बाइक है, बट तब भी मैं आपको जस्ट लाइक फीचर्स वाइज आपको बस यू बता रहा हूँ। बाकी 200X की आपको इसमें साइड में बैजिंग देखने को मिल जाएगी, लाइट थ्रो कैसा है, आपको अगर हेडलाइट टेस्ट की वीडियो देखना है तो इंटरनेट पे भी काफ़ी सारा वीडियो है, और मेरे को अगर बनाना है तो मैं बाद में जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इसमें आपको एक प्रॉपर लाइक विंड स्क्रीन दिया गया है, जो डेफिनेटली काम का है, प्रॉपर आपको विंड ग्लास से प्रोटेक्ट करने वाला है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, फुल्ली ब्लैक में है, होंडा की बैजिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ इधर आपकी नंबर प्लेट होल्डर भी देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें आपको मिलती है प्रॉपर 37mm की गोल्डन कलर में एनोराइज्ड किया हुआ अपसाइड डाउन फोक, एंड वो भी शोभा की तरफ से आती है, यहाँ पे आपको शोभा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका 37mm है, प्रॉपर गोल्डन कलर में दिया गया है। एंड फ्रंट फेंडर भी आपको इसमें डुअल पैनल फिनिश में फेंडर दिया गया है, इधर आपको पर्ल इग्नियस ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा और इधर आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। ABS की आपको इसमें बैजिंग देखने को मिल जाएगी। हाँ, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलती है, बट तब भी देखा जाए तो 160cc की मैक्सिमम बाइक का प्राइस आज का डेट में हो चुकी है 1,70,000 के आसपास। उस प्राइस पॉइंट में आपको एक प्रॉपर लाइक 180cc की एक स्पोर्ट्स टूरर काइंड ऑफ बाइक इसको कह सकते हो, प्रॉपर एडवेंचर बाइक तो नहीं है, बट काइंड ऑफ एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक आपको एक 180cc की बाइक मिल रहा है 1,70,000 के आसपास प्राइस पॉइंट में। डेफिनेटली उस हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक। एंड हॉर्नेट 2.0 भी एक बहुत ही बढ़िया बाइक है, आपको अगर नेकेड बाइक चाहिए तो हॉर्नेट 2.0 पे आप जा सकते हो। इसका रिसेंटली मैं वीडियो बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे लाइव दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रंट में आपको मिलती है 276mm की पेटल डिस्क विथ निसिन की कैलिपर, इसमें आपको देखने को मिलती है, फ्रंट में निसिन की कैलिपर यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलती है, फ्रंट में ABS दिया गया है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो मैसिव सेक्शन की आपको टायर मिलती है, 110 सेक्शन की आपको इसमें फ्रंट टायर दिया गया, 110/70 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलती है। एंड अलॉय का जो डिज़ाइन है ये भी काइंड ऑफ आपको वाई शेप अलॉय
इसमें आपको देखने को मिलती है। ये हमारे जैपर की टायर है एंड ये जैपर जो है थोड़ा सा आपको आप कह सकते हो ये दो पर्पज़ के लिए जो ये टायर बनाया गया है, एकदम नॉर्मल टायर नहीं है जो आपको नाइलो ग्रिप जैपर वगैरह मिलता है वो टायर इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। डायमंड टाइप फ्रेम इसमें लगी हुई है एंड 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिलती है। माइलेज की अगर बात करें तो आराम से आपको 40 से 45 केएमपीएल की माइलेज इस बाइक से आपको डेफिनेटली मिल सकती है। होंडा का इंजन है, नो डाउट काफ़ी डिफाइन है, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छा तगड़ा आपको माइलेज भी मिलती है। की जो है यहाँ पे लगती है एंड उसके साथ साथ E20 फ्यूल डेफिनेटली आप इसमें डाल सकते हो। E20 सपोर्टेड है, फाइबर में आपको ये पूरा टैंक कवर दिया गया है एंड इसकी जो डिज़ाइन है ये भी आपको थोड़ा सा एरोडायनामिक देखने को मिलती है, क्योंकि इधर देखिए इधर आपको एयर वेंट्स दिया गया है जो प्रॉपर फंक्शनल है। इस बाइक की डाउनफोर्स क्रिएट करने के लिए आपको इसमें प्रॉपर एयर वेंट्स भी दिया गया है, तो डिज़ाइन वाइज जो है बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलती है। होंडा की आपको इसमें 3D बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलती है 184.4 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल बेसिक्स फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जहाँ पे आपको मिलती है 17.26 PS की मैक्स पावर एंड 15.9 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, ये एक ड्रॉबैक है, बट स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें आपको मिलती है तो आप डेफिनेटली एग्रेसिव डाउन शिफ्ट कर सकते हो। एयर कूल्ड इंजन है, ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं, इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत रिलायबल है, होंडा का इंजन आपको पता ही होगा एंड उसके साथ साथ प्रॉपर एक्सपोर्ट्स बाइक की तरफ आपको इसमें फूटरेस्ट भी दिया गया है जो डेफिनेटली आपको एल्युमिनियम फिनिश देखने को मिलती है। एंड क्रैश गार्ड जो है वो आपका एक्सेसरीज का पार्ट है, आपको अलग से लगवाना पड़ता है। फाइबर में इंजन बेली पैन दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 167 mm इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 810 mm इस बाइक की सीट हाइट है। वेट की अगर बात करें तो इतना बड़ा इतना बल्की बाइक है बट तब भी इसकी वेट सुन के आप चौंक जाओगे, ओनली 147 kg इस बाइक की वेट है। डिज़ाइन जो है काफ़ी शार्प है, काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे चाहे आप ये पैनल देख लीजिए, यहाँ का डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ पे इनफैक्ट अटेंशन टू डिटेल बस आप देखिए, ये पैनल में आपको हर जगह एक्स की बैजिंग देखने को मिलेगी, तो अटेंशन टू डिटेल डेफिनेटली आपको काफ़ी तगड़ा मिलती है। ये पैनल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, ये पैनल आपको मैट मेटालिक ग्रे फिनिश में देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको CB200X की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इधर भी आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया है एंड एग्जॉस्ट नोट जरूर से ज़रूर मैं एक बार आपको सुनाना चाहूँगा, तो रुक जाए एक बार स्टार्ट कर लेते इसको। ओके, काफ़ी स्मूथ है। एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। बहुत ही स्मूथ है, इनफैक्ट साइलेंट भी है, मतलब उतना साउंड इस इंजन से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बाकी सीट इसमें आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलती है। सीट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, सीट उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। आप डेफिनेटली जब भी बाइक को परचेस करोगे उसके बाद सीट को आप थोड़ा सा बाहर से आफ्टर मार्केट मॉडिफाई करवा लो, थोड़ा सा और ज़्यादा पैडिंग इसमें लगा लो, देन डेफिनेटली आपको तगड़ा कम्फर्ट मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक होंडा की बाइक ओन करता हूँ, CB300F, तो मेरा बाइक में भी सेम था, मैं बाहर से बस सीट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, 1500 के आसपास सीट मॉडिफिकेशन के लिए लेते हैं तो और भी तगड़ा कंफर्ट आपको मिलेगा। ये सीट में थोड़ा सा पैडिंग कम है बट स्पेसियस है डेफिनेटली, मतलब आप अगर पिलियन लेके भी इसको लेके लॉन्ग राइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी स्पेसियस है। स्प्लिट सीट सेटअप मिलती है, प्रॉपर मेटल की आपको इसमें ग्रैब रेल दिया गया है, वो भी मेटालिक ग्रे फिनिश में आपको इसमें विलियन ग्रैब रेल दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो पैनल आप देख पा रहे हो ये आपका फाइबर की है, पर्ल इग्नियस ब्लैक के साथ। एंड रियर में आपको मिलती है मोनोशॉक जो आपका मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म देखने को मिलती है। इसकी एग्जॉस्ट देखिए कितना प्यारा एग्जॉस्ट है, मतलब ऊपर में इसमें आपको मेटल की शील्ड भी दिया गया है जो मेटालिक ग्रे फिनिश में दिया गया है, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एग्जॉस्ट नोट तो आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो। रियर में आपको मिलती है 220 mm की पेटल डिस्क विथ निसिन कैलिपर। हाँ, रियर में आपको ABS नहीं देखने को मिलती है बट हाँ देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। आपको एक 180 cc की इंजन मिलती है, वो भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ, होंडा का रिलायबिलिटी है एंड एक ऐसा स्पोर्ट्स टूरर जैसा बाइक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है। बाकी ब्रेक सिस्टम नो डाउट काफ़ी अच्छा है एंड रियर में भी आपको मिलती है 140 sec की रियर टायर, 140/70/17 की आपको नॉन रेडियल टायर मिलती है, मतलब रेडियल टायर नहीं है बट ट्यूबलेस टायर है MRF की, आपको वो डुअल पर्पस टायर इसमें आपको दिया गया है। पीछे से इसकी लुक देखिए, आपको थोड़ा सा हॉर्नेट 2.0 की या
आएगी, क्योंकि एक शेप टेल लाइट इसमें भी मिलती है, प्रॉपर एलईडी में ब्लिंकर दिया गया। इनफैक्ट जो नंबर प्लेट का लाइट है ये भी आपको एलईडी मिलती है, एंड थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश पैनल आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड पीछे से डेफिनेटली इसकी जो लुक है काफ़ी बल्की लगती है, एंड इसकी जो लुक है ये थोड़ा सा आपको एडवेंचर काइंड ऑफ जो लुक आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। अब फिलहाल के लिए जो है मैं इसको बंद करता हूँ। उसके साथ साथ इधर आपको मिलती है फुल्ली ओपन चेन, तो चेन को आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इसको मेंटेन करने में उतना दिक्कत भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको मिलती है प्रॉपर मिडिल स्टैंड। तो मिडिल स्टैंड को लगा के आप इजीली इसकी चेन को ल्यूप कर सकते हो। साइज 10 विथ साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर इसमें आपको मिलती है, एंड उसी के साथ साथ इसमें आपको मिलती है टू शिफ्टर, 5-speed गियरबॉक्स है, टू शिफ्टर इसमें आपको दिया गया है। एंड इधर आपको सारी गार्ड मिल जाती है, इधर फुटरेस्ट आप चेक कर सकते हो, हैंडल बार भी काफ़ी वाइड है, एंड उसके साथ साथ काफ़ी अपराइट इसकी राइडिंग पोस्चर है। मतलब आप इसको लेके डेफिनेटली लॉन्ग टूरिंग कर सकते हो या फिर वीकेंड टूरिंग डेफिनेटली आप कर सकते हो। सिंगल पीस में आपको हैंडल बार मिलती है, कंपनी फिटेड आपको इसमें नकल गार्ड मिलती है जिसका क्वालिटी डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मिलती है। उसी के साथ साथ इसमें आपको मिलती है इंजन किल स्विच, इधर आपकी हैजार्ड स्विच, ओके, इधर आपकी सेल्फ स्विच, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर की स्विच, और एक बार हॉर्न भी सुन लीजिए, सिंगल हॉर्न मिलती है, ठीक ठाक है। क्लच की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली लाइट है बिकॉज ऑफ स्लिप एंड असिस्ट क्लच, तो बहुत लाइट क्लच सेटअप इसमें आपको मिलती है। इधर आपको थोड़ा सा मेटल पार्ट देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ इधर ग्रिप भी आप चेक कर सकते हो। मिरर जो है एकदम बेसिक है, इसमें कुछ बोलने का है ही नहीं, उतना अच्छा मिरर जो है इसमें आपको नहीं मिलती है। जो साइन या फिर एसपी पे जो मिरर मिलते हैं वही मिरर यहाँ पर भी दिया गया है। बाकी इधर से सामने से इसकी लुक आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन जो है पूरा खाली है, एंड उसी के साथ साथ इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है ना वो भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड उसके साथ साथ टोटल ट्रिप एंड टाइम, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज, यहाँ पे स्पीडो डिटेल्स, यहाँ पे टैकोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, वो सब कुछ जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट बैटरी वोल्टेज भी इसमें आपको देखने को मिलती है, ये देखिए ट्रिप है, ट्रिप भी एंड बैटरी वोल्टेज भी देखने को मिलती है। तो मिरर कंसोल जो है बेसिक है, बट जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। हाँ, रियल टाइम माइलेज या फिर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नहीं दिखाता है, बट बैटरी वोल्टेज या फिर गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको इसमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलती है देखिए इंडिकेटर की सिग्नल, यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पे आपका हाई बीम की सिग्नल, न्यूट्रल की सिग्नल, एबीएस की सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, यहाँ पे दो स्विच दिया गया, मेनू और सिलेक्ट बटन, बेसिकली आप क्लॉक वगैरह जो यहाँ से सेट कर सकते हो। थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश पैनल आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी डेफिनेटली आपको अगर 2024 में आपको एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स टूरर बाइक चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स राइडिंग पोस्चर मिले एंड रिफाइंड इंजन मिले एंड जिसका माइलेज काफ़ी तगड़ा हो, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन 2024 होंडा सीबी 200X। एंड अगर ऑफर की बात करें, अभी फेस्टिव सीजन में अगर ऑफर की बात करें तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ ऑफर क्या कुछ मिलती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको आयरन भी मिल सकती है, आपको बैग भी मिल सकती है, एंड यहाँ पे स्मार्ट वॉच है, बहुत कुछ है, आपका फॉरेन ट्रिप है, हेलमेट है, यहाँ पे जूसर वगैरह मेरे को दिख रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको अभी फेस्टिव सीजन के ऑफर में मिल सकती है। एंड बाकी आप कोई भी बाइक अगर परचेस कर रहा हो या फिर कोई भी स्कूटर अगर आप परचेस कर रहा हो तो लीडर्स होंडा कोलकाता में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको कोलकाता का मेरा हिसाब से सबसे बेस्ट प्राइस अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा का कोई भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हो, आपको कोलकाता का सबसे बेस्ट प्राइस, इनफैक्ट हावड़ा से भी बेस्ट प्राइस आपको लीडर्स होंडा कोलकाता जो है प्रोवाइड कर सकती है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर हॉर्नेट की वीडियो देखना है या फिर SP160 की वीडियो देखना है तो रिसेंट में मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, तो जरूर वो आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर होंडा सीबी 200X लेना है या फिर होंडा की कोई भी बाइक लेना है लीडर्स होंडा में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेस्ट राइड भी मिल जाएगी, तो आपको टेस्ट राइड के लिए भी अलग से कोई शोरूम विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, लीडर्स होंडा जरूर आपको टेस्ट राइड भी प्रोवाइड करती है। बाकी मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।